हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। देन ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। ओके, मूविंग मैन की इस रिस्पेक्ट में हमें क्या बतानी है? रेन ड्रॉप्स के यहाँ पर से स्पीड बतानी है। ऑलराइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपके यहाँ पर बता रहे हैं स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर यूज होगा आपका। किसका? रिलेटिव वेलोसिटी का। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज विल बी अवर रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड टू होल्ड हिज अम्ब्रेला 30 डिग्री एट 30 डिग्री विद अ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ठीक है, रेन देखिए आपकी कैसे कैसे आ रही होगी। फिर ये आपका मान लीजिए आपका एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक वर्टिकल वाला वाला एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस। ठीक है, मैंने अपनी अम्ब्रेला को देखिए ऐसा रखा हुआ है, दिस इज अम्ब्रेला। ठीक है, तो रेन आपकी ऐसे आ रही होगी, दिस इज अ वेलोसिटी, आपकी रेन ऐसे आ रही होगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? रेन ये कितना बना रही है? इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ आपका कितना? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका एंगल की तरह बच्चों, ये एंगल आपको 30 डिग्री गिवन कर रखा है। ये 30 डिग्री है, तो बच्चों बता सकता हूँ कि दिस एंगल शुड ऑल्सो भी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन, ये रेन की वेलोसिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द रेन विद बोल सकते हैं इसको, सिंपली आप क्या बोल दीजिए इसको? वेलोसिटी ऑफ द रेन, क्योंकि मैन तो क्या आपके आपका स्टैंड है, मतलब खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको आपका इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ रहा है? आपने 30 डिग्री पर रखना पड़ रहा है आपका अम्ब्रेला को। ठीक है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड देन ही फाइंड्स। ठीक है, उसने देखा कि जो आपका ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग 10 किलोमीटर पर एंड ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन देखिए बच्चों कितनी आती है। मान लीजिए मैंने वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर वी मान लिया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या इसका क्या माने, इसके मैग्नीट्यूड मैंने वी एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, मैंने यहाँ पर एक्सेस डिफाइन कर लीजिए, दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्स वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, ये वी इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसे हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी अवर वी कॉस 30। कितना आएगा आपका? वी कॉस 30। एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, इसे मैं क्या बोलूंगा आपका? वी साइन 30। ठीक है, दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, वी साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से आपका? वी बाई टू किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स कैप यानी कि आई कैप क्या लो। ठीक है, और क्या आएगा आपका? वी कॉस 30 कितना होता है आपका? √3/2 वी। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव वाई एक्सिस क्या लोगे, तो मैंने इसको लिख लिया -√3/2 v j कैप। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन, ये आपकी रेन की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, जब मैन आपका स्टिल था, स्टैंडिंग था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रखा है? देखिए जब मैन आपका क्या कर रहा है, जब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तब उसने क्या देखा? ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक है, देखिए इस बार भी आपका मैन ने ही देखा था, लेकिन यहाँ पर मैन की वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी। तो वेलोसिटी ऑफ, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है, पहली वाली सिचुएशन में क्या था? मैन स्टैंड स्टिल था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो मैन की वेलोसिटी जीरो होगी। तो आप भले ही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन बोले या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन बोले, सेम ही मतलब है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इस केस में मैन की वेलोसिटी जीरो नहीं है। सेकंड में बोला कि मैन स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर हुआ। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। वेलोसिटी ऑफ द रेन आपका ये है। ठीक है, इसके ऊपर पुट कर लीजिए कितना आपका? v/2 i कैप। ठीक है, -√3/2 v ऑफ j कैप। ये तो आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई माइनस मैन की वेलोसिटी। मैन क्या कर रहा है आपका? 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? प्लस एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए मूव कर रहा है। ठीक है, मैन आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो और इसकी स्पीड कितनी है? 10 देर की आपकी, इसको हम लिख लेंगे -10 i कैप। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। इसको देखिए आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? v/2 -10, आई कैप वाला कंपोनेंट में एक साइड लेके आ गया, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा? -√3/2 v j कैप। ठीक है, ये आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट आ गया। ही फाइंड रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन उसको दिख रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है, ये तो बच्चों कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए v/2 -10 आपका 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से बच्चों आपकी v की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है, कितनी आ गई आपकी? 20 20 मीटर पर सेकंड। ये आपने यहाँ से क्या कर लिया? v फाइंड आउट कर लिया। ठीक है,
अब हमसे पूछ रखा है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। ओके, मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में हमें क्या बताना है, पर इसकी स्पीड बतानी। ठीक है, तो वी तो आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लो, तो ये क्या जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन या फिर मूविंग मैन, कुछ बोल दीजिए। ठीक है, 20 को पुट करके तो देखो 20/2 कितना होगा आपका 10, 10 - 10 = 0। तो आई कैपेलेटर में तो बच्चों कितनी आएगी, 0 आ गई। ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए √3/2, वी की जगह 20 पुट करके तो -10√3 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका स्पीड बतानी। स्पीड क्या होता है आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द, यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, कितना आ जाएगा 10√3 के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में गिवन नहीं है, ये वाला भी आपका किलोमीटर पर आवर में था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, तो ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर भी आपका 1 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, तो 10√3 किलोमीटर पर आवर, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये किससे मैच कर रहा है आपको बच्चों, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बता सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।